हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, ये कल जो प्रभात खबर में पटना रविवार जो सिवान का जो संस्करण है उसमें ये बीपीएससी से एक बहुत बड़ा मैसेज आया है। इससे ये साफ साफ अंदाज़ा लग रहा है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम सितंबर में करा लिया जाएगा। ठीक है, अगस्त में बहुत लोग कह रहे हैं, मतलब कि बहुत वैसे लोग भी कह रहे हैं जो लोग मतलब कि बहुत अच्छा बीपीएससी की जानकारी रखते हैं और बीपीएससी की एक एक बातों को क्लियरिफाई करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम आपका सितंबर में ही होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं डिटेल में क्या है। तो आयोग ने परीक्षा केंद्रों के आधारभूत सुविधाओं की मांग जानकारी, अभी जानकारी मांगी है, जानकारी मिलेगा 1 अगस्त को, इसको फाइनलाइज करना है। तो आइए देखते हैं पूरी डिटेल्स को। 25 केंद्रों पर होगी बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा री एग्ज़ाम, जो बीपीएससी पीटी 8 मई को जो ब्लैक डे था बीपीएससी के लिए, उसका री एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से अपनी जो साख है उसको फिर से बचाना चाहेगी और एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ एग्ज़ाम लेना चाहेगी और बहुत एक टफ कंपटीशन देखने को मिल सकता है। तो बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की जिला में बने 25 केंद्रों पर होगी। ठीक है, ये सिवान का है। ठीक है, सिवान के 25 केंद्रों पर होगी, जिसके आलोक में प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी पूनम चौधरी ने संबंधित केंद्रों के प्रधानाध्यापक से आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप में जानकारी देने का निर्देश किया है। आयोग 1 अगस्त तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। इधर आयोग ने जिला प्रशासन से जो जानकारी मांगा है उसमें उपलब्ध कमरों की संख्या, कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सुरक्षा एवं अन्य सुविधा, प्रकाश, पानी और बेंच, जो बहुत ही एक एसेंशियल नीड्स है, इसकी पूर्ति के लिए बोला गया है। और सभी केंद्रों के प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जाएगा। मतलब कि आज 1 तारीख को ये जाएगा, फाइनलाइज करके दिया जाएगा, 2 या 3 को फिर से कमेटी की बैठक होगी कल या परसों, उसके बाद आपको इस हफ्ते के लास्ट में या नेक्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन आ सकता है। और कभी भी बीपीएससी आपको 28 दिन या 1 महीना पहले आपको इंटीमेट करता है। ठीक है, ये आप लोग पिछला रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। तो ये है सिवान में जो बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम के लिए सेंटर को अलॉट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। फिर से मैं बता दूँ, अगस्त में एग्ज़ाम होने की संभावना कम है, हाँ फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर या सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर, सेकेंड वीक कम चांस, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में होने की पूरी संभावना है। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बाढ़ की स्थिति और कुछ ऐसे नेचुरल कैलमिटीज आपदाएँ ना आए तो फर्स्ट वीक में भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वो सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जी एस फोरम। एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक बार फिर से 110 प्लस मार्क्स लाने की तैयारी करें, हिस्ट्री, साइंस, करेंट और बिहार पे विशेष ध्यान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जी एस फोरम। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि आप लोग ज्योग्राफी और जो आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन उसको अच्छे से करके जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो कि आपको बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा ना जाने क्यों लगा, बहुत सारे लोगों से ये पता चल रहा है कि ज्योग्राफी का डिमांड और इकोलॉजी का ज़्यादा होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन, थैंक यू।